और अभी मैं जा रही हूँ फुटवेयर देखने के लिए चेंज के करूँ। एक वो ऊपर सबसे ऊपर लगी है ना ब्लैक, वो भी है मेरी मम्मी की चॉइस, ले लूँ सारे पैसे चप्पलों में उड़ा दूंगी मैं। ओ वाओ मेरा यूट्यूब चैनल चला दो, फिर पैसे आएंगे, मैंने अपनी माता के पैर चेंज कराने हैं। हेलो गाइज, नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षय किरार व्लॉग्स। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट कुछ कुछ सामान लेने के लिए, एंड आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ वैष्णो देवी से आने के बाद। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है एंड आई होप आपको मेरे वैष्णो देवी वाले व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो ये वाला व्लॉग भी लाइक कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे ट्रैवल व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मेरे वैष्णो देवी वाले व्लॉग्स नहीं देखे तो पहले जाके वो वाले व्लॉग्स देख लो। एंड ऑल्सो मैंने बहुत सारा ट्रैवल और भी किया हुआ है तो आप पिछले व्लॉग्स भी मेरे जाके देख सकते हो। तो जी, ये रही मेरी मम्मी। हेलो मम्मी। हेलो। ठीक है मम्मी की तबीयत? वैष्णो देवी से आने के बाद मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत दिन लग गए मम्मी को रिकवर होने में क्योंकि मम्मी के गोड़े, मम्मी के पैर सब दुखने लगे थे, पीठ भी ना, हाँ कमर भी दुखने लग गई थी। बट अब मम्मी फिट एंड फाइन है, ऑलमोस्ट, नॉट प्रॉपर बट ऑलमोस्ट, नहीं प्रॉपर, अच्छा प्रॉपर फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलो फिर फटाफट से मार्केट चलते हैं। और मेरे को हाँ आज अपनी स्कूटी का पोल्यूशन भी करवाना है, पोल्यूशन एक्सपायर हो गया है वो भी करवाना है, बहुत काम है गाइस। तो जी हम लोग आ गए हैं मार्केट और बहुत ज़्यादा रश है, तो पार्किंग भी नहीं मिली मार्केट में, बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा है मार्केट में। और अभी मैं जा रही हूँ फुटवेयर देखने के लिए किंग्स के शोरूम, हमारे यहाँ नया खुला है किंग्स का शोरूम और यहाँ पे स्केलेटोस दोनों साथ साथ में खुले हैं। तो किंग्स से मैंने बहुत पहले एक चप्पल ली थी, देखती हूँ काश उस क्वालिटी की चप्पल एक और मिल जाए, है ना, अच्छी है ना। तो गाइस किंग्स के पास जाने से पहले मुझे यहाँ से चप्पलें अच्छी लग गई। तो जी हमें पसंद नहीं आया बाहर से कोई भी चप्पल, बस दूर से ही देखने में अच्छी लग रही थी। तो अभी हम लोग आ गए किंग्स के शोरूम वापसी से, अभी यहाँ से देखती हूँ कोई चप्पल अच्छी मिल जाए तो मेरे टाइप की, जो कि बहुत मुश्किल है। तो जी यहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं निराशा पूर्वक वापस, क्योंकि यहाँ पे भी हमें नहीं मिला वो वाले फुटवेयर जो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे टाइप के फुटवेयर हर जगह से नहीं मिलते। तो अब हम जा रहे हैं स्टेलेटोस पे, अगर वहां से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और जाएंगे। तो जी वहां से कुछ पसंद नहीं आया, अब हम इसके पड़ोसी के पास जा रहे हैं, यहाँ पे होपफुली यहाँ से पसंद आ जाए, यहाँ से मुझे हर बार पसंद आ जाता है। तो ये मेरी मम्मी ने उतरवाई ये वाली चप्पलें, एक ये ब्लैक, एक वो ऊपर सबसे ऊपर लगी है ना ब्लैक, वो भी एक बार उतार दो ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ। तो ये पहन के देखते हैं चप्पलें, अच्छी लग रही है ये वाली, अच्छी लग, मेरी मम्मी की चॉइस। जैसे ही मुझे मेरी मम्मी का कुछ पसंद आ जाता है ना चॉइस, तो मेरी मम्मी की ऐसे देखो बत्ती से निकल जाती है क्योंकि मुझे मम्मी की चॉइस पसंद नहीं आती कई बार। ये आपने उतरवाई है चमकी चमकी, हाँ ठीक लग रही है बट बहुत चमकीली है, आई डोंट वेयर चमकीला थिंग। ये भी अच्छी लग रही है ना, ये नया डिजाइन है ये वाली ना ब्लैक, मुझे भी ये जीन्स और सूट दोनों के साथ चल जाएगी, है ना, ये अच्छी लग रही है ना, ये भी अच्छी। इसका इसका दूसरा वो निकाल दो साइज, अरे मेरे को उतारने दो, पार्टनर दे इसका, पार्टनर इसका पार्टनर नहीं, ये रख दो एक भैया, ये वाला देना, ये ब्लैक बीच में, ब्लैक या गोल्डन कोई भी दे दो, अच्छा लग रहा है पहन के देखूं, देखो अच्छी लग रही है। तो गाइस मेरी मम्मी ने सिलेक्ट करी है ये वाली चप्पल्स मेरे लिए, आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कैसी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल भी है। तब तक तो आप कमेंट करोगे मैं ले चुकी होंगी वैसे, बट फिर भी बताना कैसी लग रही है, ले लूं सही है, कितनी भोली बन जाती है मेरी मम्मी बाहर आके देखो। तो जी एक मेरी मम्मी ने सेलेक्ट करी ये वाली सैंडल्स, लग तो अच्छी रही है बट कंफर्टेबल नहीं लग रही है मुझे। ये मेरी मम्मी सुनो बिजी हो जाती है मेरी मम्मी, ये देखना ये अच्छी लग रही है वाइट, सेल में से उठाई है, हैं ले लूं दूसरा, दूसरा देना इसका नहीं। सो गाइस ये आइटम होती है सेल में, आ गई दोनों, ठीक लग रही है पैर पे। सो गाइस एक मैंने वहां से वाइट फाइनल कर दिया, एक मुझे ये भी अच्छा लग रहा है सैंडल टाइप्स में, शीशे में जाके चेक करके आती हूँ, है अच्छा लग रहा है, चेक करती हूँ माता को तो अच्छा लग रहा है।
हाँ अच्छा लग रहा है, तो एक मैं ये ले लेती हूँ। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मेरी सैंडल्स आपको कैसी लगी, चप्पल वेयर। मुझे ये वाली लेनी थी और मुझे भी, बट मेरे पैर के ऊपर अच्छी नहीं लगती। हाँ मेरे चूहे से पैर है गाइस, देखो मेरे पैर का साइज देखो कितना छोटू सा है। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ये वाला ट्राई करते हो कैसा लगेगा मेरे पैर पे, बनी वाला है ये। जहाज पहन रखा है ना। सो गाइस एक मैंने ये वाली चप्पल मुझे चलते चलते अच्छी लगी है, तो मैं सोचा पहन लेती हूँ। मेरी मम्मी को पसंद नहीं आ रहा है बट मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाऊंगी बाद में, इनको बहुत अच्छा लगेगा। Wow, nice shoes. अगर इन केस मिल जाए तो, अदरवाइज तो ये वाला फाइनल है मेरा ग्रे। ये देखो ये कितना कंफर्टेबल है भाई, करंट आया मम्मी मुझे तुमसे करंट आया। सारे ले लूँ क्या आज चप्पलों के, सब सारे पैसे चप्पलों में उड़ा दूंगी मैं। Wow, guys, this is looking damn awesome. So guys, इन दोनों में से मुझे सेलेक्ट करना है कौन सा अच्छा लग रहा है। मुझे ये अच्छा लग रहा है बट कंफर्टेबल ये है, बट दिल के सुननी चाहिए तो मैं ये वाला फाइनल कर रही हूँ मम्मी, ये वाला। तो गाइस मैंने तो अपना कूड़ा करा लिया है, मैंने अपनी ले लिया है चार चप्पलें, अब मम्मी की बारी है, मम्मी अपने लिए उतरवा रही है। मम्मा यार डार्क उतरवाना, ग्रे ग्रे मम्मा आप भी ग्रे ले लो, ग्रे अच्छी लग रही है। मेरी मम्मी को बस कंफर्टेबल चप्पल सही होती है, अच्छी लग रही है मम्मी। पहली बार आपकी चॉइस अच्छी लग रही है मुझे। केड़ा छोटा आ जाएगा ना, ग्रे का छोटा नहीं होगा। अरे यार वैसे ये भी मम्मी अच्छी लग रही है आपके ऊपर। मेरी मम्मी ने ये थर्ड क्लास से चप्पल ले रखी है जस्ट बिकॉज ये मम्मी को कम्फर्टेबल लगती है पहनने में। ये पेन को तो देखो ये अच्छा लग रहा है, देखो कितना कुशन है। केड़ा अच्छा लग रहा है मम्मा, देखो कितना सुंदर लग रहा है। वाओ ओ वाओ ओ वाओ मम्मा वाओ अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी कहते हैं नाटक है ना, इसमें दर्द होती है उसमें दर्द होती है। पैर चेंज करा दे मम्मी के, पैर चेंज कराने पड़ेंगे गाइस, प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट, मेरा यूट्यूब चैनल चला दो फिर पैसे आएंगे, मैंने अपनी माता के पैर चेंज कराने हैं। तो एक मैं मम्मी के लिए निकाल के लाई हूँ ये वाला, अच्छा लग रहा है मम्मा। कलर एक और है निकाल के लाऊं, इसमें बड़ा वाला दिखा दीजिए, एक कलर है ना ये रहा इसका छोटा है। अरे यार जो अच्छा लगता है उसमें साइज नहीं होता आपका, तो मिल जाएगा। नहीं मैं नहीं पहनती है बुड्ढो वाला, ये इसका आप निकाल दो बड़े वाला, इसका एक साइज बड़ा मतलब जितना मम्मी का साइज है उतना निकाल दो। ये ब्लैक अच्छा लग रहा है, इसके आगे तो वाइट अच्छा लग रहा है। मम्मा दूसरा भी दे दो, मम्मा के ऊपर वाइट भी अच्छा लग रहा है। चल के दिखाओ बहन जी, चल के दिखाई। मम्मा वाइट ले लो, वाइट और ब्लैक दो ले लो, तीन ले लो भले मेरी प्लस है। अच्छा लग रहा है ना, चल लग रहा है, चले वैष्णो देवी वहां से वहां तक चल के देखो, वहां जाओ वहां से फिर वापस आओ लंगड़ाते। अरे उधर नहीं एकदम अंत में जाओ, सही है ये तो दिख ही रहा है कम्फर्टेबल है। व्हाइट वाला पहनो, व्हाइट मुझे बहुत सुंदर लगा था। तो गाइस हमारी टोटल हुई है 4000 4,500 की शॉपिंग, तो उसपे मुझे फ्री मिला है 200 रुपए का बैग। और इसमें कलर देखती हूँ कि कौन कौन से स्कीम चल रही है। तो जी आज हमने किया है बहुत सारा कुंडा पैसों का। मम्मी मजा आया कुंडा करके? मेरी मम्मी का भी दिल दुख दुख होगा थोड़ी देर ये चुप रहेगी क्योंकि इनको बिल्कुल आदत नहीं है। नहीं मेरी मम्मी बड़ा दुख दुख होता है इनको। तो जी हो गई हमारी शॉपिंग, अब कुछ शॉपिंग नहीं करेंगे, बस सीधा सीधा चलेंगे घर। बड़े वाला मम्मी ने पकड़ लिया, बड़ी तेज है जो अच्छा लग रहा है वो पकड़ लिया, जो बेकार लग रहा है वो मुझे पकड़ लिया। नहीं मम्मी चलो, मम्मी चलो, नहीं आज दिखा दिया आपने मम्मी, चलती माँ क्या था, कलयुगी माँ है मेरी। तो जी अभी मेरी छोटी मम्मी ले रही है यहाँ से भल्ले पापड़ी, मेरी मम्मी को बड़ा अच्छा लगता है भल्ले पापड़ी, गोलगप्पे वगैरह वगैरह, टिक्की चाट, आम पापड़, चटोरी, चूरन, ये सब मेरी इमली
ये सब मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है ना। हाय 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 हाय, तो इनके चक्कर में मुझे भी खानी पड़ेगी भल्ले पापड़ी, क्योंकि इन्होंने बोला और कुछ नहीं है मेरे पास खाने के लिए। नहीं, टिक्की खाने का मन नहीं है, ऐसे ऑयली नो, मैं नहीं खाती ऑयली फूड बिल्कुल भी। गाइस अमन जाट, तो जी आ गए हम लोग घर वापस और अब खा रहे हैं अपना भल्ले पापड़ी। मम्मी लाई थी और साथ में मम्मी लाई गोलगप्पे का पानी। गोलगप्पे का पानी तो मेरी फरमाइश थी तब लाई है ना, मजा है। भूख लग रही है बहुत तेज, क्योंकि सुबह से बस हमने नाश्ता किया और कुछ भी नहीं खाया। इतने दिनों बाद मैंने भल्ले पापड़ी खाई है, बहुत दिनों बाद, बहुत यम्मी है गाइज, आप लोग भी इंजॉय करो। बाय। तो गाइज मैं करने लगी थी थोड़ी सी एडिटिंग और अब बज गए रात के 10 और आई थिंक इस व्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि डिनर मैंने करना नहीं है। भले पापड़ी से पेट बहुत ज़्यादा भर गया था, हालांकि बहुत थोड़ी सी खाई थी बट फिर भी पेट बहुत ज़्यादा भर गया था यार। तो इस व्लॉग को मैं यही ख़त्म करती हूँ गाइज, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे चैनल को, जो कि कोई नहीं करता है, प्लीज़ कर देना। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन की बेल आइकन भी दबा दिया करो ताकि मेरा न्यू व्लॉग जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे एवरी ऑल्टरनेट डे 4 PM मेरा न्यू व्लॉग आ जाता है। सो गाइस स्टे ट्यून। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।